जब सेंटेंस में कौन या किसने करके सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से रूल बनाए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, अब देख लो कैसे। तो यदि हु वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे हिंदी में प्रश्न पूछेगा तो हिंदी में लिखेगा आपको, ब्रैकेट में लिखे हैं एनसी, हिंदी कौन पढ़ाते हैं आपको, हिंदी कौन पढ़ाते हैं आपको, हिंदी कौन पढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंत रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि शब्दों से होता है और इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है ना। आपको कौन बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो इस कविता को किसने लिखा है, इस कविता को, इस कविता को किसने लिखा है, इस कविता को किसने लिखा है, लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाओगे तो सेंटेंस का रूप बनेगा उन बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा है, कौन कार्य करते हैं, कौन पीट रहा है, कौन पीट रहा है। सेंटेंस बन गया। अब देख लेते हैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सेकेंडरी टाइप के इंट्रोगेटिव, जैसा कि पहचान में आपको सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव के पहचान में यह बताया जाता है कि ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं या तो अंत में आते हैं। बीच में आया है कौन सा, लेकिन जनरली बच्चों को जो बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पर इस कौन वाले वाक्यों को सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव के रूल के अंतर्गत कन्वर्ट न करके हम अफर्मेटिव रूल के अंतर्गत कन्वर्ट करते हैं। किस रूप में? अफर्मेटिव रूल के अंतर्गत। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट रखो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये नहीं लिखते हो आप। तो सब्जेक्ट मान लेते हैं किसको, कौन को, और कौन के लिए मीनिंग क्या लिखेंगे, हु, क्या लिखेंगे, हु। अब क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच, टीच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो टीच। अब ऑब्जेक्ट दो हैं, एक आपको और एक हिंदी, तो दोनों ऑब्जेक्ट को अब लिख लेंगे। पहले यू आपको लिख लिया जाए, हु टीच यू, हु टीच यू क्या, हिंदी, हु टीच यू हिंदी। सेंटेंस बन गया। अब देखो ये अफर्मेटिव रूल है कि नहीं है, है ना, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना चाहिए था, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ये नियम सिर्फ और सिर्फ कौन वाले वाक्यों में ही फॉलो करना है, ये नियम सिर्फ किसके लिए, कौन वाले वाक्यों में या किसने वाले वाक्यों में। बात समझ में आई? अब दूसरे सेंटेंस को देख लो आप, आपको कौन बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है, कौन की मीनिंग क्या होती है, एक बात और दिमाग में रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब हमेशा प्रयोग में आती है कि नहीं है? हर सेंटेंस में आता है ना, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी टेंसेस में उसके वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है ना। तो अब हु के साथ आ गई बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है कि नहीं है? तो इसे सिंगुलर मान लिया जाता है, वो को क्या मानते हैं हम? सिंगुलर, एक वचन। तो रूल क्या कहता है? ही सी इट वह एक वचन कर्ता के साथ इज बताया जाता है ना, आई के साथ एम, वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है ना। तो हु को सिंगुलर मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। हु इज बुलाना, मीनिंग क्या है? कॉल। हु इज कॉलिंग हो जाएगा ना, आईएनजी ज्वाइन कर देंगे तो हु इज कॉलिंग किसको? आपको। हु इज कॉलिंग यू, ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया सेंटेंस। चलो तीसरा ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? लिखा है अर्थात वो कविता लिखी जा चुकी है, कार्य पूर्ण हो चुका है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव और हैज। आई वी तथा आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव, ही सी इट वर एकवचनकर्ता के साथ हैज तथा क्रिया का थर्ड पार्ट है ना। तो सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखा है कि इस कविता को किसने लिखा है? किसने, किसने की मीनिंग क्या लिखेंगे?